ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हो जाओ सावधान, भगवान शनिदेव ने लिख दिया 2021 जून माह में चार बड़ी खुशखबरियां अवश्य ही प्राप्त होंगी। दोस्तों जून 2021 का महीना आपके लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से सबसे अच्छा महीना साबित होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस महीने में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आपकी राशि में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों से आपकी भाग्य रेखा अब पूरी तरह बदलने वाली है। साथ ही ग्रहों में होने वाले बड़े परिवर्तनों से आपकी राशि वालों के लिए शुभ योगों और शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे जून 2021 के महीने में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं और बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों वो सफलताएं, वो खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून 2021 माह का ये महत्वपूर्ण समय। दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून के महीने में आपके ग्रहों में होने वाले बड़े परिवर्तन आपके लिए बेहद ही खास रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी रहेगी। भगवान शनिदेव का नाम लेकर शुरू किया गया कार्य आपके लिए निश्चित तौर पर सफल होगा। आपको अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में आप इन दिनों में कामयाबी हासिल करने में सफल हो सकते हैं। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको नई नई बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने के अनेकों योग बन रहे हैं। दोस्तों आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत अब भगवान शनिदेव करेंगे। किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप ना करें, सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके जीवन की सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का अब खात्मा होगा। समाज में आपका मान सम्मान तेजी से बढ़ेगा, जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों अपने जीवन में उतनी तेजी से आप प्रगति करते हुए सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों जून के महीने में आपके ऊपर भगवान शनिदेव सबसे अधिक मेहरबान रहेंगे। सच्चे मन से भगवान शनिदेव की आराधना करके शुरू किया गया कार्य आपके लिए निश्चित तौर पर सफल होगा। दोस्तों आपके जीवन की अधूरी मनोकामनाएं अब पूरी होंगी। परिवार में माता पिता का भी सहयोग आपको सबसे अधिक मिलेगा। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्रों में किए गए प्रयास आपके लिए निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपको सफलता हासिल करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों समाज में होने वाले बड़े बदलाव आपके लिए बेहद ही आनंददायक रहेंगे। दोस्तों आपके लिए जून 2021 के महीने का समय सबसे अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों इस समय में लिया गया फैसला आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं इस महीने में अवश्य ही पूरी होंगी। आप अपने जीवन में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों क्रोध पर इस समय में विशेष नियंत्रण रखने की आपको बहुत ही आवश्यकता होगी और वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना होगा। आपको सफलता हासिल करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों कुछ समय के लिए गलत संगति का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों यूं कहें तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है।
इसलिए दोस्तों आप गलत संगति का साथ बिल्कुल ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया ही परिवर्तन आ गया है। दोस्तों निराशा के बादल अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दिनों के लिए मैं आपके लिए क्या क्या विशेष उपाय आपको करने होंगे। इससे पहले थोड़ा ग्रहों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों ग्रहों में हो रहे बड़े परिवर्तन और आपकी राशि में बन रहे शुभ योगों से अब आपकी राशि वालों के जीवन में अब होने वाले हैं बड़े बड़े परिवर्तन। इस समय में आपके जीवन में अनेकों बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। ग्रहों में होने वाले परिवर्तनों से अब आपकी भाग्य रेखा बदलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें आपने जो पिछले समय में मेहनत की है परिश्रम किया है उसका प्रतिफल अब आपको इस माह में मिलने वाला है। दोस्तों अब आपकी राशि वालों के ऊपर भगवान शनिदेव की असीम कृपा होने वाली है। इससे आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी। अब इस समय में आपकी सारी तकलीफें और परेशानियां और आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलने वाला है और अब इस समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। कई क्षेत्रों से आपको इस समय में बड़े बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब आपकी धन की समस्याएं भी इन दिनों में इस समय में समाप्त हो जाएंगी। इस समय में आपको अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी जिससे आप अपने जीवन में हर कमी को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों आपने जो पिछले समय में लगातार मेहनत की है परिश्रम किया है उसका प्रतिफल अब आपको इस समय में अवश्य ही मिलेगा और आपको सफलता अधिक से अधिक इस समय में मिलेगी। तो अब इन दिनों में आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है और आपको अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है और बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे और बहुत सारी बड़ी खुशखबरियां आपको इस समय में मिलने वाली हैं। दोस्तों निश्चित रूप से यह समय आपके लिए संतोषजनक समय होगा। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों इस समय में आपको अपने कैरियर में बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपको आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आर्थिक तौर पर भी अनेकों प्रकार के लाभ इस समय में मिलेंगे। इस समय में आप अपनी भविष्य से संबंधित नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की योजना तैयार करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको इस माह में क्या क्या उपाय करने होंगे। दोस्तों आप प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए जितनी आपकी श्रद्धा है जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार काले तिल काली उड़द की दाल का दान किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अवश्य करें। साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं। ध्यान रहे जब भी आप उस दीपक को जलाएं उस दीपक में थोड़ी सी काली उड़द की दाल और काले तिल अवश्य ही डाल दें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लिए आने वाले दिन बहुत ही अच्छे और आनंददायक दिन रहेंगे। दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के लाभ धन लाभ भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अवश्य प्राप्त होंगे जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा।